देश भर में जहां दिवाली पर लोग खुशियां मनाते हैं, रोशनी से जगमग होते हैं, घरों को रोशन करते हैं, आपस में मिठाई बांटकर त्योहार मनाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गांव ऐसा भी है जहां पर शोक मनाया जाता है। जी हां, चौंकिए नहीं, इस गांव में रोशनी के बजाय शोक की लहर दौड़ती है दिवाली के दिन। इस गांव का नाम है चौहान समाज। चौहान समाज के लोग की आबादी इस समय लगभग 8000 से आसपास में है। कई सालों से, सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी अनोखी परंपरा आज तक चली आ रही है। जब ये लोग दीपावली पर रोशनी और पर्व मनाने के बजाय खुशियों के बजाय मातम में डूबे रहते हैं। हर दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं, घरों को रोशन करते हैं, खूब जश्न मनाते हैं, लेकिन मिर्जापुर में चौहान समाज का एक ऐसा गांव है जहां पर शोक होता है और इसे वो शोक के रूप में मनाते हैं। मणिहान तहसील के राजगढ़ इलाके में अटारी गांव है और उसके आसपास बचे लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिन पे चौहान समाज अधिकायक में रहते हैं। परंपरा सैकड़ों कालों से चली आ रही है, कई साल बीत गए लेकिन आज भी वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशी के बजाय गम ही मनाया जाता है। परंपरा का निर्वहन आज भी समाज बखूबी कर रहा है। दरअसल चौहान समाज के लोग खुद को अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं, जबकि उनका मानना है कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान दीपावली के दिन ही मोहम्मद गोरी ने उन पर आक्रमण करके हत्या की थी और उनके शव को गंधार ले जाकर दफनाया गया था, इसलिए ये लोग आज तक शोक मनाते हैं। वहीं गांव समाज के अध्यक्ष धनीराम का कहना है कि हमारे पूर्वज को इसी दिन मोहम्मद गोरी ने मारा था। हमारा नाम राजेश चौहान है। चौहान जी, ये बताएं कि आप लोग दीपावली नहीं मनाते, क्या कारण रहा है आप लोग दीपावली नहीं मनाते? हम लोग के कारण है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी को गजनी में मोहम्मद को ले गया और आँख फोड़ दिया और वहाँ आँख फोड़ कर उस शब्द वेदी बार सिखनों के कहा कि तुम जानते हो हिंदुओं का राजा हो तो शब्द वेदी बार द्वारा चलाओ, तो उसने शब्द वेदी बार चार बार 24 गज अंगुल 8 प्रमाण ताप पर बैठा सुल्तान है मैं चुको चौहान, शब्द वेदी बार चार बार पर मोहम्मद गोरी को मारे, अब मोहम्मद गोरी मरा और उसके बाद वो लोग अपने आप मर गए। तो आप लोग कब दीपावली मनाते हैं, किस दिन? वही चार दिन के बाद एकादशी को, देव दीपावली को हम लोग मनाते हैं। ये बताइए, आप लोग दीपावली नहीं मनाते हैं, क्या वजह रहा है दीपावली नहीं मनाते हैं? दीपावली नहीं मनाते हैं, दीपावली का दिन पिंथरी में राम चौहान का मृत्यु हो गया है, तो वैसे हमने का शोक मनाई ला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजा है सर। गुंजा जी, आप लोग दीपावली नहीं मनाती हैं, क्या वजह रहा है दीपावली नहीं मनाते हैं? हम लोग को यही वजह है कि जो धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी थे उनका दीपावली के दिन मौत हुआ था, इसीलिए हम लोग नहीं मनाते हैं दीपावली। हम लोग दीपावली के दिन शोक मनाते हैं, हम लोग को दीपावली के दिन कोई खुशी ही नहीं रहती है, और हम लोग मतलब कि एकादशी के दिन मनाते हैं दीपावली। चौहान जी, ये बताएं कि आप लोग दीपावली नहीं मनाते, क्या कारण रहा है दीपावली नहीं मनाने का? दीपावली हम लोग इसलिए नहीं मनाते हैं कि हमारे वंशज का पृथ्वीराज चौहान आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उसी शोक में हम लोग डूबे रहते हैं और इसी कारण हम लोग नहीं मनाते। तो दीपावली के दिन आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से शोक मनाते हैं? दीपावली के दिन हम लोग 4-6 आदमी बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट शोक में बैठते हैं, इसके बाद में अपने कार्य में लगते हैं।